हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम ये जंप सूट बनाना बताएंगे। तो कैप और जंप सूट हमने बनाया है और बहुत इजी वे में आप इसको बना सकते हो। ये मैंने 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल को बनाया है। तो मैं पहना के पहले दिखाती हूँ अपने लड्डू बाबू को। तो ये मैंने ऐसे करके देखिए पहले पैर डाला है, फिर उसके बाद बाहें डाली हैं दोनों और इनको ऐसे ही पहना दिए। तो इसके अंदर आप इनर भी पहना सकते हैं इनको। तो इस तरह से देखिए कैप, ये प्यारी सी पॉम्पम वाली कैप बनाई है और बहुत इजी वे में ये बनके कंप्लीट हुआ है। ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप अगर बिगनर हो तो भी बना सकते हो। तो देखिए पूरा पीछे से भी कवर है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे आपको ऐसी न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए आज हम लड्डू गोपाल के लिए जंप सूट बनाएंगे। तो 2 कलर से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम येलो से स्टार्ट करेंगे। तो हम ऐसे लूप ले करके और यहाँ से ऐसे निकालना है। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, इससे स्टार्ट करें। अब हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 बना लिया। 3 और बनाएंगे। 1 2 एंड 3। 3 बनाने के बाद अब हमें 4 वाले में डबल क्रोशिया स्टार्ट करनी है। तो हम 4 वाले से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी ये 3 चेन और ये डबल क्रोशिया, तो हमारी 2 काउंट हुई। फिर हर चेन में हम डबल क्रोशिया 1 टाइम बना लेंगे। तो इस तरह से हम ये पूरा कर लेते हैं। हर चेन में हमें डबल क्रोशिया 1 1 टाइम करके पूरा करना है। तो इस तरह से देखिए हमने ये पूरी क्रोशिया में हमने डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे। 1 2 एंड 3। 3 चेन लेने के बाद अब जस्ट हमें इसमें डालना है, इसमें नहीं डालेंगे, जस्ट बगल में आएंगे। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। 1 टाइम एंड इसी में जाके 1 बार और। तो हमने देखिए एक हमने यहाँ सिंगल 3 जो चेन लिया है वो 1 सिंगल क्रोशिया है। तो यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी। तो हर फिर हम जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे 1 बार और बना लेंगे। तो 2 2 बार हमें हर चेन में जाते हुए सेकंड रो कंप्लीट करनी है। तो ऐसे ही हम 2 2 बनाएंगे। लास्ट में जैसे हमने यहाँ सिंगल 1 बनाया है, वैसे लास्ट में 1 सिंगल हम बनाएंगे और पूरे में हमें डबल डबल बार करके डबल क्रोशिया पूरी करनी है। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने डबल डबल बार हर चेन में करके कंप्लीट किया। लास्ट में हम ये जो 3 चेन वाली है क्रोशिया, यहाँ पे हम 1 क्रोशिया बना लेंगे। अब वर्क को टर्न करना है और टर्न करने के बाद यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद जस्ट बगल में आएंगे। यहाँ पे हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें थर्ड वाले में 2 बार बनाना है। 1 बार और फिर इसी में 1 बार, फिर 1 बार, एंड थर्ड वाले में फिर से हम 2 बार बना लेंगे। तो हर थर्ड में हमें 2 बार करके हमें थर्ड रो कंप्लीट करना है। जैसे हम नॉर्मल चोली बनाते हैं, सेम प्रोसेस से ये सूट बनेगा। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए हम लास्ट में आ गए। तो यहाँ हम इसको ऐसे करके निकाल लेंगे और पहले यहाँ से देखिए हम लास्ट में आए हैं। यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से हम दूसरा थ्रेड ऐड कर लेंगे ऐड करने के बाद अब हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है और 3 चेन लेके हमें जस्ट बगल में आके यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है। अब ये थ्रेड को हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। अब देखिए हम मुड्ढा हमें घटाना है, हमें आर्म होल निकालना है, तो हम 1 2 3 4 5 and 6 6 बना लिया। और 6 बनाने के बाद स्किप करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 वाले में फिर से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 बनाने के 1 स्किप करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वाले में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में 6। तो यहाँ हमने 6 बनाए 1 2 3 4 5 6, इधर हमने 12 बनाए हैं और इधर हमने 6 बनाए। तो ये इस तरह से पूरी चोली ठाकुर जी की घट गई है। तो ये हमारा सीधा पार्ट है, ठीक है। तो हमारी चोली इस तरह से, हम जो नॉर्मल चोली बनाते हैं सेम प्रोसेस से ऐसी चोली बनती है, पर इसमें हमने कलर लगा दिया है। अब देखिए इसमें हमें पीला लगाना है, तो यहाँ से कट करेंगे और कट करने के बाद हमें यहाँ पे अब इसको पीले से स्टार्ट करना है। तो यहीं से हम पीला येलो ऐड कर लेंगे और येलो ऐड करने के बाद इसको थ्रेड को खींच देंगे, बाद में नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारे चेन बनानी 1 2 एंड 3। थ्री बना ली। 3 बनाने के जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो हर चेन में हमें डबल बार, सिंगल बार ये क्रोशिया पूरी करनी है, कोई भी हमें इसमें इंक्रीज नहीं करना रहेगा। तो हम ये 1 2 3 4 5, तो हर चेन में हम जाते हुए एक एक बार ये डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने एक रो कंप्लीट किया। फिर से हम इसमें ऑरेंज ऐड करेंगे और इसमें ऑरेंज की रो बना लेंगे। तो हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इसको थ्रेड को खींच देना है। अब यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है 1 2 एंड 3। तो हमने जैसे ये रो बनाई थी, कोई इंक्रीज नहीं किया था, सेम प्रोसेस से हम एक बार और बना लेंगे। तो हमने इसमें हमारे ये 24 क्रोशिया हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 पूरी 24 हमारी ये क्रोशिया हैं। इसमें हमें केवल एक बार पूरी ऐसे 24 पे 24 हम क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब हमें इसको नॉट लगा के सेव करना रहेगा, जैसे हमें स्टार्टिंग में हमने बताया था। अब यहाँ पे हम हर चेन में सिंगल सिंगल बार एक एक बार हम क्रोशिया बना लेते हैं, डबल क्रोशिया। तो देखिए फिर से हम यहाँ पे येलो ऐड करेंगे। हमने 24 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिए और यहाँ पे अब 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इसी में हम डबल क्रोशिया एक बार बना लेंगे। जो हमने 3 चेन बनाई है इसी में 1 क्रोशिया हम इंक्रीज़ करेंगे। तो हमारी 24 थी, 24 में 1 इंक्रीज़ कर लिया। फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे हम एक तो यहाँ पे हम ऐसे देखिए ये लास्ट में पहले बना लेंगे। बनाने के बाद अब इसको हमें यहाँ से ज्वाइन करना है, तो हम ये वाले से ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद ये देखिए हमारी ये पूरी चोली यहाँ तक तो चोली आई और ये हमारा वेस्ट लड्डू गोपाल का बन गया है। अब यहीं से हम पहले येलो थ्रेड ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद एक बार स्लिप स्टिच से अच्छी तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे हम 1 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद फर्स्ट और जहाँ चेन लिया है उसी में हमें डबल क्रोशिया एक बार बनानी है। डबल क्रोशिया बना ली। अब फिर से हम जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया 2 बार और बना लेंगे। तो हमने हमारे ये पूरा राउंड में 24 थे इसमें और इसमें, ठीक है। तो 24 में ही हमने अब 2 हमने इंक्रीज़ किए, एक इधर एक इधर। अब फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1, ये 1 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो 11वीं वाली आएगी इसमें हम डबल बार डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। 1 बार, फिर उसी में 1 बार और, तो 2 बार हमने ये डबल क्रोशिया बना ली। फिर 1 बार और बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 एंड ये 2। तो हमने ये 1 इंक्रीज, 2 इधर इंक्रीज़ किए, 2 इधर इंक्रीज़ किए। तो ये हमारे पैर का शेप आ रहा है, तो यहाँ से चौड़ाई थोड़ी बढ़ेगी, तो इसलिए हमने ये बढ़ाया है। अब यहाँ फिर से हम ये हमारी देखिए हमारी 24 थी, 12 दूनी 24 थी, तो 24 में हमने 12 इधर निकाल दिया, 12 इधर निकाल दिया। तो फिर से हम 12वें में डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे, 1 एंड टू डबल क्रोशिया बना ली। फिर जस्ट बगल में आएंगे यहाँ पे, फिर से दो बार बनाएंगे 1 एंड 2, दो बार बना ली। अब सिंगल सिंगल बार बनाना है, फिर मिड में सामने बढ़ाना रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में हम फिर से दो बार बना लेंगे, एक बार फिर इसी में एक बार और, तो ये हमारी दो बार डबल क्रोशिया बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 1 2 3 थर्ड वाली चेन में ले जाके हमें इसको ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद अब हम इसमें ऑरेंज ऐड करेंगे। तो यहीं से हम ऑरेंज ले लेंगे और ऑरेंज अब इसमें हम लगा लेंगे। तो ट्रेबल डबल कहते बनाया है, इसमें हमें सिंगल डबल क्रोशिया जैसे डबल क्रोशिया हमें 1 1 बार हर चेन में बना लेनी है। तो हर चेन में जाएंगे 1 1 बार हम ये डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने ये ज्वाइन कर दिया है। अब हम येलो लेंगे और येलो से स्टार्ट करेंगे। तो हमें ये देखिए यहाँ से हम सीधे पहले ऑरेंज से हमें इसको मिड मिलाना है, ठीक है। तो ये हमारा ऑरेंज है और ये हम यहाँ से मिड मिलाएंगे, तो मिड भी यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइन करने के बाद हम येलो थ्रेड लेंगे और येलो थ्रेड से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हमें 3 चेन लेनी है 1 2 एंड 3। 3 चेन लेने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है। 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाई। अब यहाँ से हमें डबल क्रोशिया हाफ लेनी है, फिर जस्ट बगल में आएंगे यहाँ से हाफ लेंगे और तीनों को एक साथ मिला देंगे। फिर यहाँ से लेंगे हाफ, ऐसे एक बार, और फिर यहाँ से हाफ लेंगे और तीनों को एक साथ मिला देंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। 2 हमने स्किप कर दी। अब हम 1 2 3 4 5 एंड 7। 7 बार हमने बना लिया। बनाने के बाद अब हमें स्किप करना है। तो 1 हाफ ऐसे लिया हमने, फिर दूसरे से हमें 1 हाफ लेना है और तीनों को एक साथ निकाल देना है, ठीक है। तो हमारा एक घट गया। फिर से हम देखिए ऐसे हाफ लेंगे, फिर जस्ट बगल में से फिर से हाफ लेंगे। हाफ लेने के बाद तीनों को एक साथ निकाल देंगे और यहाँ पे अब हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब बनाने के बाद ये हम ले जाएंगे सीधे, जो 3 चेन थी यहाँ पे ले जाके ज्वाइन कर देना है। ये ऐसे ज्वाइन कर लिया। अब फिर से हम ऑरेंज लेंगे, ऑरेंज स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद हमें फिर से एक स्किप करना है। तो हम पहले डबल क्रोशिया हमने बनाया, अब हम यहाँ पे स्किप करेंगे। तो हम ऐसे हाफ लेंगे, फिर एक हाफ लेंगे। हमने 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम डबल क्रोशिया एक हाफ बनाएंगे, फिर से एक बार हाफ बनाएंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो हमें एक स्किप करना है सेकेंड रो में पैर वाले में, फिर वन डबल क्रोशिया, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अब यहाँ से ऐसे उठाएंगे, सेवन, सेवन उठा लिया। अब फिर से हम ऐसे करके वन हाफ लेंगे, फिर दूसरे से हाफ लेंगे और हाफ लेने के बाद एक साथ निकाल लेना है। अब निकालने के बाद एक बार हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पे हम थ्री चेन लेंगे, वन, टू, थ्री। थर्ड वाली चेन में ले जाते हुए हमें इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देना है। तो ये ज्वाइन कर लिया। अब फिर से हम येलो थ्रेड लेंगे और येलो थ्रेड से फिर से हम बना लेंगे। तो येलो थ्रेड खींचेंगे। अब यहाँ पे वन, टू, थ्री, थ्री चेन लेंगे। थ्री चेन लेने के बाद हमें डबल क्रोशिया हाफ लेनी है। एक बार और हम स्किप करेंगे। तो हमें एक पैर में थर्ड रो में हम ये फिर से दो हमें स्किप करना है। तो एक इधर स्किप करेंगे, एक बैक में स्किप करेंगे। दो सिंगल, एक सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया, तीन सिंगल क्रोशिया, चार सिंगल क्रोशिया, पाँच, छः। अब यहाँ मेरे पास फिर से तीन है, ठीक है। एक उठाएंगे, यहाँ से हम हाफ पहले क्रोशिया लेंगे। यहाँ से ऐसे लिया, हाफ लिया, फिर जस्ट बगल में आए, यहाँ से भी हमने हाफ ले लिया। हाफ लेने के बाद एक साथ निकालना है, तो हमारी एक घट गई। अब यहाँ साइड में एक बार हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें ये थ्री चेन में ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कर लिया। अब इसमें हमें बॉर्डर बनाना रहेगा, तो अब हमें घटाना नहीं है। हम सीधे यहीं पे ऐसे इसको ज्वाइन करेंगे ऑरेंज को, और ऑरेंज से अब हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ऐसे करके हर चेन में जाना है और सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे और एक बार चेन बना के हम ये थ्रेड खींच के कट कर लेंगे। और कट करके हम ये येलो वाले से नॉट लगाते हुए हम इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक पैर बना है। ऐसी सेम प्रोसेस से हम ये दूसरा पैर भी पहले बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब इसको हमें अंदर ले जाते हुए सेव कर लेना है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, फिर ये दूसरा बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये दोनों पैर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें ये ऑरेंज ऐड करना है। ये देखिए ऑरेंज लेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम ऑरेंज से स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे 3 चेन लेना है और 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हाफ ऐसे पहले हमें एक निकालना है, फिर एक और निकालना है और यहाँ से हम इसको स्किप कर देंगे। तो हमने एक स्किप कर दी, अब फिर से हम एक लेंगे फिर दूसरा लेंगे हाफ, ठीक है, और दोनों को हम स्किप कर देंगे। दो हमने इधर से स्किप किया, एक दो तीन चार पाँच छः तो हमें यहाँ से ज्वाइन करना है, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और मिड से हमें ये ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर ली, 3 चेन लेना है, 1 2 एंड 3। 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ से ऐसे डबल क्रोशिया एक बार लेंगे और यहाँ से एक बार और ले करके हम इसको एक कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम लेंगे 1, फिर यहाँ से एक बार और 1 लेंगे। तो हाफ हाफ पहले क्रोशिया करनी है, यहाँ से हाफ लेंगे और यहाँ से भी हाफ लेंगे। हाफ लेने के बाद एक साथ निकालना है, तो हमारी 2 स्किप हो गए। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से एक हाफ लेंगे और फिर एक हाफ भी यहाँ से लेंगे और दोनों को एक साथ घटा देंगे। अब घटाने के बाद एक बार और घटाना है, तो यहाँ से नीचे से उठाएंगे, एक उठाएंगे है, फिर लूप लेके दूसरी जगह से हम उठाएंगे, यहाँ से हमें उठाएंगे ऐसे करके और एक साथ निकाल देंगे। अब निकालने के बाद जो 3 चेन है इसमें ले जाके हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये ज्वाइन हो गया। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1। अब यहाँ पे हमें येलो थ्रेड लगाना है, येलो थ्रेड लेंगे, येलो थ्रेड यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हम 3 चेन ले लिया। अब यहाँ से फिर से हम स्किप करेंगे, हाफ एक बार निकालना है फिर एक बार और हाफ निकालना है। एक साथ निकाल दिया, एक निकाला फिर एक बार निकालेंगे। तो ये हम 2 बार हाफ क्रोशिया, ये 2 हमने डबल क्रोशिया स्किप कर दी। अब फिर से हम 1 2 3 4 5 में आधा लेंगे और इधर से भी आधा लेंगे, ठीक है। तो हाफ हाफ ले लिया और एक साथ निकाल देंगे। फिर हम उठाएंगे 1 हाफ, फिर एक जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ से एक बार और हाफ उठाएंगे। उठाने के बाद एक साथ निकाल देना है। तो हमारी 2 स्किप हो गई। अब 2 स्किप होने के बाद हम डबल क्रोशिया एक बना लेंगे। जैसे हम नीचे पैर में कर रहे थे, सेम प्रोसेस से हम यहाँ भी करेंगे। हमें एक डबल क्रोशिया इधर भी बनानी है। अब हम देखिए यहाँ पे इसको 3 चेन में ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमने ये ज्वाइन कर दिया। अब सिंगल क्रोशिया हमें इसमें बनानी है, तो हम ऐसे करके ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद अब हर चेन में हमें अब स्किप नहीं करना है, हर चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरह से ये दो लाइन केवल बाहों की बनेगी और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हर चेन में जाते हुए हमें सिंगल स्टिच करनी है। अब यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और एक बार चेन बना के थ्रेड कट कर लेंगे। और कट करने के बाद अब हमें इसको सेव कर लेंगे। सेम प्रोसेस से हम दूसरा भी स्लीव कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये एक स्लीव बन गई। सेम प्रोसेस से हम इधर भी बना लेंगे और इसको हम अंदर की तरफ ले जाते हुए पहले नॉट लगाएंगे फिर सेव कर लेंगे। तो हमें एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसको हमें ये देखिए हम अंदर लाएंगे और अंदर लाते हुए हमें ऑरेंज से ऑरेंज को ज्वाइन कर देना है और येलो से येलो को। तो इस तरह से हमारा थ्रेड सेफ हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखिए येलो पे आएंगे येलो को थ्रेड को शेव कर लेंगे। सेम प्रोसेस से हम इधर भी बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए सेफ हो गया। अब हम इधर भी ऐसे ही दो रो बना करके फिर सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑरेंज थ्रेड लगाएंगे और यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ऐसे करके ऑरेंज थ्रेड लगाए लूप लेंगे, लूप लेके यहाँ पे हमें हाफ क्रोशिया बनानी है। फिर यहाँ पे लूप लेंगे तो हर चेन में हमें दो बार हाफ क्रोशिया कंप्लीट करनी है। इस तरह से तो हर चेन में जाते हुए हम ये हाफ क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। ठंडे में केला नहीं खाना चाहिए। तो ये ऐसे करके ये हाफ बना लिया। यहाँ पे हम एक बार और बना लेंगे वन चेन लेकर के और फिर से इसी में हाफ एक बार और बनाएंगे। तो ये हमारा ऐसे फोल्ड हो जाएगा और फिर से हम हाफ हाफ करके रो कंप्लीट करेंगे। तो हर चेन में जाते हुए यहाँ पे देखिए हम 1 स्किप करेंगे और यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार बनाना है, फिर 1 स्किप करना है, 2 बार हाफ क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से हम ये पूरा रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें नेक में हमें 1 स्किप करना है और हाफ बनाना है, और जब यहाँ फ्रंट में आएंगे तो हर जो डबल क्रोशिया है इसमें हमें 2 बार हाफ क्रोशिया करके रो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप चिट बटन लगा लीजिए, पहनाने के बाद ये चिट बटन यहाँ पे लग जाएगी तो ये पूरा सेफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम कैप बनाएंगे तो कैप, तो देखिए अब हम कैप बनाएंगे तो 22 चेन हमने ली है। अब इसको हमें यहाँ पे ज्वाइन कर देना है सर्कल में, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद तो हमारे लड्डू गोपाल का जो राउंड आएगा कि आराम से वो पहन लें, तो उस हिसाब से हमें इसका लेना है। तो हम जैसे 1 चेन और बढ़ा ली। अब यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से, और ज्वाइन करके हम इसमें डबल क्रोशिया फिर राउंड में सिलेंगे, तो हमें साइड साइड से सिलना नहीं रहेगा। तो ये ऐसे करके 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पे सिल लेना है, बिन लेना है। तो हम हर चेन में डबल क्रोशिया 1-1 बार कंप्लीट कर लेंगे। हर चेन में जाएंगे और 1-1 बार डबल क्रोशिया हम राउंड में कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए डबल क्रोशिया करके रो कंप्लीट कर लिया। अब 3 चेन में ले जाते हुए हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब ज्वाइन करने के बाद हम ऑरेंज लेंगे थ्रेड और ऑरेंज से स्टार्ट करेंगे, और लेंगे और ऑरेंज से स्टार्ट करके हम ये फिर से डबल क्रोशिया। हर चेन में हमें कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है। तो आपके चाहे जितने बड़े लड्डू गोपाल हैं, आप पहले लड्डू गोपाल का राउंड ले लीजिएगा सिर का, उसके बाद स्टार्ट करिएगा, चेन स्टार्ट करिएगा। तो आप चाहे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हो ऐसे कैप, और बहुत ईजी वे में बन जाता है। तो हर चेन में जाते हुए हमें डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। तो हर चेन में हमें कुछ ना इसमें घटाना है ना बढ़ाना है, तो हम ऐसे करके ये बना लेते हैं। तो ऐसे रो कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे हम 3-4 रो बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम 1 चेन बना के इसको थ्रेड को कट कर लेंगे, और कट करके इसको सेव कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हम 1 थ्रेड लेंगे, येलो थ्रेड हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब देखिए हमें पोम पोम बनाना है पहले। तो ये देखिए ऐसे रखना है, और थोड़ा सा पहले हम थ्रेड इतना सा कट करके निकाल लेते हैं। अब हम इसमें पोम पोम बनाएंगे। तो ऐसे 2 उंगली से राउंड राउंड करना है, तो इस तरह से हमने ये 40 रो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ऐसे कट करेंगे, और कट करने के बाद ये हमें मिड से ऐसे लेना है और इधर से लेना है, ठीक है। और लेते हुए हम इसमें नॉट लगा लेंगे, ऐसे रखना है। और यहाँ पे अब हमें मिड में नॉट टाइटली लगाना है, जैसे ये हमारा खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से टाइटली नॉट लगा लेंगे, इधर से भी नॉट लगा लेंगे। अब किसी चीज पे रखते हुए हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए प्यारा सा ये पॉम पॉम बन गया है। अब हमें क्या करना है, हम सुई लेंगे तो देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। अब इसको हमें फोल्ड करके उल्टा कर लेना है। अब उल्टा करने के बाद हम यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था वहीं से हमें इसको लेना है और ऐसे करके हम हर उससे सुई ली है, हमने सुई में मैचिंग का थ्रेड ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको जैसे कच्चा करते हैं सेम प्रोसेस से हमें इसको निकालना है और फिर खींच करके नॉट लगा देनी है। और ऐसे आप इजी वे में सुंदर सी कैप बना सकते हो, किसी भी साइज के लड्डू गोपाल के लिए बना के उनको पहना सकते हैं। तो ये ऐसे करके जहाँ से स्टार्ट किया तो वहाँ आ गए। अब इसको हमें ऐसे करके खींच देना है। तो ये देखिए खींच गया और खींचने के बाद अब हमें इसको नॉट लगा के पहले एक दो बार हम सिल लेंगे जैसे ये पक्का हो जाए, वॉश करने पे भी निकले नहीं। ठीक है, तो ऐसे कर लिया। ये देखिए इस तरह से कैप कंप्लीट हो गई है। और जो थ्रेड है इसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें ऊपर की तरफ सुई को डालना है, ऐसे सुई डालेंगे और डालते हुए हमें ये पॉम पॉम निकाल लेना है। और यहाँ से फिर से हम रिपीट करते हुए हम इसको ले आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए प्यारा सा पॉम पॉम लग गया।